सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम जा रहे हैं सिद्धबली मंदिर जो कोटद्वार शहर में, और साथ में जा रहे हैं बड़े भैजी। आज हमारी सवारी है स्कूटी। तो यात्रा स्टार्ट करने से पहले हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए सिद्धबली मंदिर। आज का जो मौसम है बहुत ही शानदार मौसम हो रखा है, हल्की हल्की हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, और धूप भी खिल चुकी है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। तो यार ये देवी मंदिर पे पहुंच चुके हैं हम। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस हम पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं, टंकी फुल करवाने अपनी स्कूटी की। फुल कर दो। दोस्तों ये रास्ता बड़ा ही मनमोहक रास्ता है और मंदिर जाने में काफी मजा आ रहा है। तो गाइस यहाँ से सिद्धबली मंदिर 1 किलोमीटर रह चुका है और ये मेन बद्रीनाथ रोड है, ये नेशनल हाईवे 534 है। हमने यहाँ पे प्रसाद ले लिया है और यहाँ पे रख लिया, हमने सामान रखा है यहाँ पे। हाँ, और स्कूटी भी यहीं खड़ी कर दी है। चलते हैं जल्दी क्योंकि हमने ऊपर भी जाना है, आगे का टूर भी है ना अपना। तो इसलिए पहले बाबा के दर्शन करते हैं एक बार। बाल बढ़िया तो लग रहे हैं यार। हाँ, अरे अच्छे लग रहे हैं यार बाल, ऐसा कोई बात नहीं है, मस्त लग रहे हैं यार बाल ऐसे कुछ। तो गाइस ये है सिद्धबली मंदिर का मुख्य द्वार। जय हो सिद्धबली बाबा की जय। मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं, आराम चल ना भाई भाई। हाँ तो कोई नहीं ना, बाबा के दर्शन करने आए मंदिर है। हाँ, इसके बारे में किसी ने भी क्या बोला। हाँ सही बात, सबको पता है, सबको पता है कि मान्यता यहाँ पे पूरी होती है। एक सिद्ध पीठ है, सिद्ध पीठ है। हम आए, जय हो। अपनी यात्रा मस्त चलेगी फिर। अरे यहाँ पे दर्शन हो चुके हैं बाबा के। है? दर्शन करें कैसे लगे बाबा के? अभी तो दर्शन और भी करने हैं। अच्छा नीचे आओ, शनि महाराज हैं। शनि महाराज, अच्छा। गाइस ये है खो नदी और देखो इसका प्रेशर कितना तेज है भाई, बारहमास ऐसी रहता है इसका प्रेशर। कोटद्वार में एक नदी यही है जिसमें मतलब पानी बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा अच्छा, इसके तट पे ही बसा है, इसके तट पे सिद्धबली मंदिर बसा हुआ है। अच्छा चलो अब शनिदेव के महाराज के चलते हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए तो हम यहाँ रखे हैं, और क्या यार इतनी दूर से यार। यात्रा से पहले एक बार दर्शन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। तो यार यहाँ पे सिद्धबली मंदिर में भंडारा चलता है, ये देखिए नीचे 24 घंटे चलता है।
24 घंटे नहीं, ये डेली चलता है। डेली चलता है, सुबह से लेके कितने, मतलब आगे 2-3 साल के लिए ऑलरेडी बुकिंग है। अगर कोई अभी करवाएगा ना बुकिंग, हाँ उसको पता नहीं 2-3 साल। अच्छा यार, पहली बार पर चलेगी, मतलब 2-3 साल के लिए पहली बुकिंग हो जाती है। 2-3 साल के लिए नहीं भाई, 2-3 साल तक ऑलरेडी बुकिंग है। अच्छा ऑलरेडी बुकिंग है भंडारे की, और डेली चलता है। तो भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप खिलौने भी ले सकते हो बच्चों के लिए। दर्शन तो हो चुके हैं, बढ़िया। तो यार इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना। मिलते हैं आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।